हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, मानव विकास। इसमें हमारा पुराना टॉपिक ही कंटिन्यू रहेगा, बालक का बौद्धिक विकास। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अब हमें लिखना है बुद्धि की माप। आज की न्यू हेडिंग रहेगी बुद्धि की माप। इसमें लिखेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुद्धि मापन के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण विकास अल्फ्रेड बिने के कार्यों के द्वारा हुआ है। बिने से पूर्व अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बौद्धिक योग्यता को मापने के सरल साधन ढूंढने का प्रयत्न किया है, परंतु वे वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे ना उतर सके। इसी कारण बिने द्वारा प्रस्तुत बुद्धि परीक्षाओं से ही बुद्धि मापन का औपचारिक प्रारंभ माना जाता है। बिने की बुद्धि मापन की पद्धति उसके पूर्व मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों से पूर्णतया भिन्न थी। बुद्धि को मापने के लिए उसने कोई एक सूचक ना ढूंढकर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समन्वित रूप है, अर्थात बुद्धि विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रकट होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बिने की पहली बुद्धि परीक्षा में निम्न प्रकार के सरल कार्य थे। पूछने पर नाक, आँख और मुंह को सूचित करना, किसी सरल वस्तु का चित्र बनाना, अपना अंतिम पारिवारिक नाम बताना और छोटे वाक्यों को दोहराना, इसमें कुछ अधिक कठिन कार्य भी सम्मिलित थे, जैसे घनिष्ठ संबंध वाले भाव वाचक शब्दों में अंतर स्पष्ट करना, दया न्याय। सामान्यतः ये प्रश्न शाला के विषयों से नहीं चुने गए थे। बिने को यह आशा अवस्था थी कि बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं, किंतु कोई भी प्रश्न इतिहास, भूगोल अथवा गणित के विस्तृत तथ्यों से नहीं चुने गए थे। इन प्रश्नों के संबंध में किसी प्रकार के प्रशिक्षण का अनुमान नहीं किया गया था। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि बिने द्वारा परीक्षित प्रत्येक बालक अपने सामान्य अनुभव से ही यह जानकारी अथवा कौशल प्राप्त कर सकता था, जिसकी सहायता से वह प्रश्न हल कर सकता था। कम से कम बिने तथा उसके अनुयायियों को ऐसी आशा थी। बिने बुद्धि परीक्षाओं में
आयु पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। बिने का अनुभव था कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कठिनाई के वर्णन की सरलतम विधि आयु है। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे थे कि 4 वर्ष के अधिकतर बच्चे उनको हल कर सकते हैं, किंतु 3 वर्ष के बहुत कम बालक हल कर सकते थे। अतः उन प्रश्नों अथवा कार्यों को 4 वर्ष के उपयुक्त कहा गया। अर्थात यदि कोई बालक केवल उक्त प्रश्नों को ही सही हल कर सकता था तो उसकी मानसिक योग्यता 4 वर्ष के प्रारूपिक बच्चे के समान बताई जाती थी। यह मानसिक आयु वस्तुतः सत्य मानी जाएगी, चाहे उसकी शारीरिक आयु कुछ भी हो। कार्य विविधता तथा आयु की योग्यता की कसौटी पर बल देने वाले बिने परीक्षाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है और अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने उसमें संशोधन तथा वृद्धि की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टर्मन ने इसमें मुख्य सुधार किया। सर्वप्रथम बिने का स्टैनफोर्ड संशोधन अर्थात स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में 1961 में प्रकाशित हुआ और लगभग 20 वर्षों तक वह बुद्धि परीक्षण मुख्य मानक बुद्धि परीक्षण माना जाता था। 1937 में इसमें फिर बुद्धि सुधार तथा इसका पुनर्मानकीकरण किया गया। इस परीक्षा के अधिकतर प्रश्न शाब्दिक हैं, इस कारण भाषा को भली प्रकार न जानने वाले लोगों के लिए यह अनुपयुक्त है। अतः जो व्यक्ति भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए आशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण में फार्म बोर्ड आकार, फलक, पहेलियों, चित्रों अथवा रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अधूरे चित्रों को पूरा किया जाता है। एक वस्तु श्रृंखला में एक असंगत वस्तु होती है, उसे काटने का कार्य किया जाता है आदि। बिने के बुद्धि परीक्षणों के बाद अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए शाब्दिक परीक्षणें बनाई हैं। बेसल बेलू बुद्धि परीक्षा भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षा ही है।